तो यस, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप्ड, फर्स्ट इट इज फॉलिंग देन इट इज राइजिंग. अच्छा, तो लास्ट डे ये वाला देखा था ना हम लोगों ने, टी एफ सी इज इक्वल टू, सॉरी, टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी बी सी, है ना. ये इक्वेशन लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. नाउ इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय क्यू, इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय क्यू, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, टेल मी. अगर दोनों साइड को क्यू से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज टी सी बाय क्यू. एवरेज कॉस्ट यस, एवरेज कॉस्ट. व्हाट इज टी एफ सी बाय क्यू, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, राइट. सो इस तीनों, इन तीनों में ए एफ सी हम लोगों ने बना दिया है, ए बी सी भी हम लोगों ने बना दिया है. अब हम लोग को ए सी चाहिए, राइट. तो अगर ए सी चाहिए तो देखो इक्वेशन के हिसाब से क्या क्या बोल रहा है वो लोग. ए सी अगर निकालना है तो हर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे आप अपना ए एफ सी और ए बी सी को ऐड कर दो, ठीक है. सपोज दिस इज क्यू इज इक्वल टू वन, दिस इज क्यू इज इक्वल टू टू, क्यू इज इक्वल टू थ्री, क्यू इज इक्वल टू फोर, क्यू इज इक्वल टू फाइव, है ना. तो अगर मैं बोलूँ कि वेन क्यू इज इक्वल टू वन, वॉट इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सो योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर क्यू इज इक्वल टू वन इज up to this one, this point, and what is your ABC up to for Q is equal to one? So your ABC is up to this point, right? So try to follow this. For one unit of production, my average fixed cost is this much, and my average variable cost is this much. So average cost क्या होगा? इसको और इसको add कर देंगे, right? Suppose ये है five और ये है seven, okay? फाइव और सेवन है फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा अगर फाइव और सेवन को ऐड कर दे तो? बोलो, फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन माई एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फाइव, फाइव रुपीज, एंड माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज सेवन रुपीज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सम सब टू एवरेज कॉस्ट. तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट पूछूं तुम लोगों से फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, सो व्हाट विल बी योर एवरेज कॉस्ट? 12. इट विल बी 12, सो समवेयर हियर इस पॉइंट पे, राइट. सो दिस पॉइंट विल बी योर एवरेज कॉस्ट, राइट. Okay, for two units of production, your average fixed cost is to this point, and your average variable cost is up to this point. Okay, so suppose this is 4.5, and this is 4, right? So, इसको add कर देंगे तो मेरा average cost हो जाएगा for two units of production. So, it will be 4.5 plus 4, that is 8.5. So, it will be somewhere here, right? इधर, ओके. अब तीसरे के लिए, फॉर थर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यू कैन सी योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर एट द सेम पॉइंट, राइट. फॉर थ्री यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इट मींस द वैल्यू इज सेम फॉर बोथ द कॉस्ट एंड इट इज इक्वल टू 4, राइट. सो 4 प्लस 4, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 4 है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी 4 है. तो ये 4 और ये 4, एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8. तो 8 कहाँ होगा, यहाँ तक 8.5 था, तो ये मेरा हो जाएगा 8, राइट. ये 8 हो गया. उसके बाद फोर्थ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए अगर देखा जाए तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इस पॉइंट पे, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, सपोज 2 2 है ये, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है,
5, राइट? तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. तो एवरेज कॉस्ट फॉर 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू 7. मतलब यहाँ पे, राइट? यहाँ पे फॉर 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज से 1 एंड माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज this point, this point, this point, and this point. So is it clear up to this? यहां तक जो कैलकुलेशन किया वो समझ में आया सबको? क्या है ये? और तुम पीछे आए हो, तुमको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में. देखो बताता हूँ तुमको, पूरा बता दूँ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अदर्स? ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स. द फाइव पॉइंट्स करेस्पॉन्ड टू योर फाइव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. 1, 2, 3, 4, 5. सो इफ यू ट्रेस द लोकस, इफ यू ट्रेस द लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट, दिस विल गिव यू द स्मूथ लोकस. This will give you the average cost, right? So this will give you the average cost. So what is the shape of average cost? U shape. Somewhere U shape. Okay. So it actually depends on the type of production process. कभी कभी बिल्कुल proper U आएगा तुम लोगों का. And since I have taken the values randomly, इसलिए ये थोड़ा biased U है, biased towards right. But it is somewhat U shape, right? So your average cost will be U shape. Why? Now can you tell me why it is U-shaped? मैंने बोला था अभी पढ़ने तुम लोगों को, बोला पैराग्राफ पढ़ा सबने? तो पहले तो डाउन होगा फिर तो ऊपर जाएगा, इसीलिए U-shape होगा. तो वैसा क्यों हो रहा है? उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. सो वो पैराग्राफ सबको समझ में आया या मैं रिपीट कर दूं उस पैराग्राफ को? देखो वो पैराग्राफ क्या बोल रहा है. हाँ, वो पैराग्राफ क्या बोल रहा है देखो. इट इज सेइंग दैट the behavior of average total cost curve depends upon the behavior of average variable cost and average fixed cost, right? ye to samajh mein aaya? wo kaise samajh mein aa raha hai? is equation se. iska behavior in dono ke behavior pe depend karta hai. in dono ko add kar rahe hain hum log, theek hai? average cost in the beginning both abc and afc curves fall. so you can see starting mein jab production 1 hai, 1 unit, 1 se dekho 3 unit tak jo hai average variable cost bhi fall ke falling hai और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये सॉरी ये एएफसी है, एएफसी भी फॉलिंग है और एबीसी भी फॉलिंग है. दोनों कर्व फॉलिंग है. मतलब जो दो कॉस्ट का जो डिटरमिनेंट है, एबीसी एंड एएफसी, बोथ आर फॉलिंग. इट मींस योर एवरेज कॉस्ट इज आल्सो फॉलिंग बिकॉज़ एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ बोथ, राइट? सो इसीलिए अप टू पॉइंट नंबर 3 माय एवरेज कॉस्ट इज सी फॉलिंग. इट इज फॉलिंग, राइट? और उसके बाद सी फॉलो द लाइन. व्हेन एबीसी कर्व बिगिंस टू राइज, now follow this, when abc curve begins to rise, kaha gaya, ha, but afc curve still falls steeply, atc curve continues to falls. now try to follow this. kya bol raha hai? ab abc curve after point number 3, after 3 units of production, my abc starts rising, right? after 3 units of production abc starts rising, but afc is still falling. dekho 3 ke baad bhi afc is falling, right? So the difference between ABC and AFC is increasing after point number 3 also. इसका मतलब क्या है? AFC fall, ABC rise कर रहा है, लेकिन AFC अभी भी fall कर रहा है. तो कंपनी के लिए अभी भी cost of production सस्ता ही पड़ रहा है. तो ATC देखो उसके बाद भी rise कर रहा है, right? देखो point number 3 के बाद, point number 3 तो यहीं का हो जा रहा था, right? लेकिन देखो point number 3 के बाद भी ATC कब fall कर रहा है? ATC यहाँ तक fall किया है, उसके बाद rise हुआ है ना? Can you see? ATC यहाँ इसके बाद rise करना शुरू किया, ABC यहीं से rise करना शुरू कर दिया था. तो by basic intuition you can see अगर ABC यहाँ से rise कर रहा है तो AC को भी यहाँ से rise करना चाहिए, but that is not so. Because ABC जहाँ से rise कर रहा है उसके बाद, उसके बावजूद AFC को अगर मैं देखूँ AFC fall कर रहा है, तो AFC का जो fall है
that is dominating the rise in ABC. The fall in AFC is dominating the rise in AFC. So ultimately the average cost is falling. Right? And uske baad agar dekho, when ABC, this is because during this stage the fall in AFC, achha, ye bata diya maine. Uske baad ka jo line hai wo dekho. But AFC falls steeply, ABC continues to fall. This is because during the stage, the fall in AFC curve is greater than the rise in ABC curve. But as output increases, वहाँ से देखो. But as output increases further, मतलब 3 के बाद 4, 5, और भी अगर मैं output बढ़ाऊँ, increases further, there is a sharp rise in ABC. उसके बाद क्या मिलता है? ABC में एक sharp rise मिलता है, और AFC में down रहता है, right? तो अब AFC down है, और ABC बहुत ज़्यादा है. So ABC dominates AFC. मतलब variable cost, ये वाला जो term है, ये term इसको dominate करेगा. So ultimately ये क्या हो जाएगा? ये rise करना शुरू करेगा. So that is why AC curve starts rising after a particular point. Is it clear to everyone? समझ में आया सबको? Others? Or shall I repeat this thing? भैया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बोले थे मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये वाला जो कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन के साथ वैरी करता हो राइट जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वैरी करता हो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो यू शेप्ड है ये वाला ये जो देख रहे हो है ना ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है अच्छा कोई है जिसे समझ में नहीं आया तो बोलो मैं वापस रिपीट कर दूंगा नहीं तो मैं अगले वाले टॉपिक में जाऊंगा अगर कोई क्वेश्चन है तो वही पूछ सकते हो इफ एनी क्वेश्चन इज देयर यू कैन आस्क फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहता है ना यस फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड तो फिर उसका एएफसी कैसे गिर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है एएफसी कैसे गिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिर रहा है ना फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड मतलब वो जो वैसे हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या पर यूनिट कॉस्ट जो अभी मैंने यहाँ दिखाया सपोज 100 फिक्स्ड कॉस्ट 100 है सपोज फिक्स्ड कॉस्ट 100 है और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 10 है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा 100 बाय 10 10 इसको जो बढ़ा दो तुम 20 कर दो तो कितना हो जाएगा 5 फिर अगर 40 कर दो अच्छा 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 समझ आया ओके समझ ओके तो क्वांटिटी बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट कमता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नॉट फिक्स्ड कॉस्ट हां सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ओके अच्छा ये डायग्राम सबने बनाया है अपने अपने कॉपी में ड्रॉ दिस वन आई इफ इट इज नॉट इफ इट इज क्लमसी देन आई विल ड्रॉ इट अगेन फ्रेशली बना देता हूँ फ्रेश एक ठीक है इसको ड्रॉ कर लो यहाँ मेजर करो क्यू यहाँ पे टोटल एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तीनों मेजर कर रहे हैं ठीक है So zero. So this is my average total cost का तीनों का एक साथ है average cost, average fixed cost, average variable cost. So this is AFC, this is ABC, right? And this is AC. एक बात का ध्यान रखना हमेशा यहाँ देखो follow करो diagram गलत हो जाता है students के यहाँ पे एक चीज को follow करना जहाँ पे तुम्हारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है AFC और ABC का ठीक है उसके बाद मतलब उसके राइट हैंड साइड में तुम्हारा AC का मिनिमम पॉइंट आना चाहिए ठीक है अगर ठीक उसका इक्वल आ गया नहीं उसका इक्वल नहीं आ सकता है उसका इक्वल आएगा क्यों नहीं आता है क्योंकि जो मैंने लिखा है अभी AFC फॉल करता है और ABC राइज करता है लेकिन AFC का फॉल ABC के राइज को डोमिनेट करता है इसलिए टोटल एवरेज कॉस्ट जो हम लोग का है वो फॉल करता है उसके बाद भी समझ में आया अच्छा मतलब तभी उसके बाद ही मतलब AC का वो डाउन वाला अप में जाएगा तो उसके बहुत बाद यहाँ पे यहाँ से जाएगा जब ABC का इंक्रीज AFC के डिक्रीज को डोमिनेट करना शुरू कर दे पहले AFC का डिक्रीज जो है वो ABC का इंक्रीज को डोमिनेट करता है राइट अच्छा और उसके बाद तुम देखो ना ABC बढ़ जा रहा है ना यहाँ पे पहले हाँ हाँ इसके बाद ABC यहीं तक है ज्यादा है लेकिन थोड़ा ही ज्यादा है
लेकिन उसके बाद एबीसी का जो ज्यादापन है वो बढ़ जाता है। अरे ये क्या हो गया? कुछ नहीं, कर लो इसको, उसके बाद मैं शेयर करूंगा। भैया गुरप्रीत मेरे को प्राइवेटली टेक्स्ट करता है कि रानू मंडल बंद कर गाना। भैया दिस इज वेरी बैड। हो गया, मिटा दो इसको। हाँ अच्छा देखो, एक शेयर कर रहा हूँ एक स्क्रीन। अरे ये उल्टा आ गया, रुक जाओ वापस कर रहा हूँ। ये विनीत क्या लिख रहा है? पार्ट से हेडशॉट। देखो एक स्क्रीन आएगा अभी, इसको जूम करके तुम लोग देखो ध्यान से। लास्ट का जो तीन कॉलम है उसको देखना है तुम लोगों को, लास्ट का तीन कॉलम को, एएफसी, एबीसी और एसी। तुम देखो ध्यान से, जो एसी है वो एएफसी और एबीसी को ऐड करके बनाया। देखो ध्यान से। है ना? क्या बोले? जो लास्ट का कॉलम है एसी, मतलब एटीसी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरेज टोटल कॉस्ट, उसका वैल्यू एएफसी प्लस एबीसी ही आ रहा है एक्चुअली। देखो अगर तुम ऐड करके हर पॉइंट पे, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ जो तुम लोग को बनाना है एग्जाम में वो रैंडमली नहीं बनाना है, उसको प्रॉपरली प्लॉट करके बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हटा दे रहा हूँ इसको। ओके, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिसको जिसको लेना है। करना क्या है इसका? ये ग्राफ है, इसको मैं आज तुम लोग को दूंगा टास्क, इससे काम करने को, इसको रख लो अपने अपने पास, बताऊंगा लास्ट में। अच्छा तो अभी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। सो अच्छा, डिफरेंशिएशन किसको किसको आता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं। क्या पूछे? डिफरेंशिएशन। मर गए, आता है थोड़ा बहुत। You need differentiation, marginal cost में, okay? अच्छा। और अगर
बेसिक अगर बताऊं मार्जिनल कॉस्ट का, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट लगेगा, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो सपोज मार्जिनल कॉस्ट फॉर फिफ्थ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं बोलूं मार्जिनल कॉस्ट, सफिक्स में एफ लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट फॉर फिफ्थ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट फॉर सिक्स्थ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट फॉर टोटल कॉस्ट फॉर फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट फॉर फोर्थ यूनिट. ओके, टीसी फाइव माइनस टीसी फोर, इट विल गिव यू एमसी फाइव. ओके, उसी तरह अगर मैं बोलूं एमसी थ्री कैसे निकालेंगे, तो टीसी थ्री माइनस टीसी टू, इस तरह से एमसी निकालेंगे फॉर द थर्ड यूनिट. मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट. इज इट क्लियर? ओके, एक एमसी पढ़े थे रिलेटिविटी में. हां, सो एमसी स्क्वायर, सो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो. लिखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट इट डाउन. मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस, एज आउटपुट इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग, फुल स्टॉप. एज आउटपुट इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग, okay, it starts rising after a certain level of output. It starts rising after a certain level of output. This happens because of the influence. This happens because of the influence of the law of variable proportion. It happens because of the influence of the law of variable proportion. Influence of the law of variable proportion. हाँ हो गया. फर्स्ट ऑफ देखिए लिखो, द फैक्ट दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस फर्स्ट रीचेस अ मैक्सिमम. क्या राइजेस फर्स्ट? It rises, marginal product rises first, it reaches a maximum and then it declines. And then it declines. Reaches the maximum? And then it declines. Are marginal product ka jo tha. And then it declines. Ensures that the marginal cost curve declines first, reaches a minimum and then rises. Declines first, reaches the minimum and then rises. ये लाइन किसके बाद बोल रहे हैं आप? मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बाद? हाँ. देखो बोलिए. देखो आई रिपीट द एंटायर थिंग, फॉलो करो. मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग. इट स्टार्ट्स राइजिंग आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. The fact that the marginal product rises first, reaches a maximum, and then declines ensures that the marginal cost curve declines first, reaches its minimum, and then rises.
declines first, reaches its minimum and then rises. अच्छा, ये जो लिखाया मैंने, ये सबको समझ में आया या किसी के ऊपर से भी गया? कोई है जिसके ऊपर से गया? कोई कुछ बोलता ही नहीं है, गजब का क्लास है। एक सेकंड पहले पढ़ने दीजिए। हाँ समझ आया। बाकियों को मुझे क्या पता। हाँ भैया, तो बेसिकली एक एक बात बता दो तुम लोग को, जो प्रोडक्ट कर्व होता है, जो पिछला चैप्टर था हम लोग का प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कर्व, और जो अभी का चैप्टर है कॉस्ट, उसमें कॉस्ट कर्व, दोनों ही बिल्कुल अपोजिट है, दोनों मिरर इमेज है। अगर प्रोडक्ट कर्व ऐसा है इन्वर्टेड यू, तो कॉस्ट कर्व ऐसा है नॉर्मल यू। ओके, तो हम लोग ने एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व पढ़ा था। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कैसा था? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व पहले राइज करता था, एक मैक्सिमम पे जाता था, फिर फॉल करता था, है ना? हम लोग ने प्लॉट किया था ये चीज एक साथ, तो ऐसा आया था हम लोग का, इस तरह से आया था ना, नेगेटिव हो जा रहा था, याद है? मार्जिनल तो हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट जाके नेगेटिव हो जाता था, नेगेटिव जोन में जाता था। हाँ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का नेचर कैसा था? वो अगर मैं नेगेटिव को इग्नोर करूँ तो वो राइज होता था, उसके बाद वो फॉल होता था, मतलब पहले राइज करेगा, एक मैक्सिमम पे जाएगा, फिर फॉल करेगा, राइट? हाँ, ये मार्जिनल प्रोडक्ट था। तो मैं बोल रहा हूँ जो वो टोटल यूटिलिटी नहीं था। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी वो सेम चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का जहाँ तक बात है, बोल रहा हूँ कि जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर उसका उल्टा होता है, मतलब पहले ये फॉल करेगा, मिनिमम जाएगा, फिर राइज करेगा, राइट? अगर उसका उल्टा देखूँ तो पहले फॉल करेगा, मिनिमम जाएगा, फिर राइज होगा। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व का नेचर कैसा होगा? यू शेप, ये वाला होगा मार्जिनल कॉस्ट का, ये वाला ऐसा यू शेप रहेगा, ठीक है? फर्स्ट इट विल फॉल, इट विल रीच अ मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, देन इट विल राइज। इसका मतलब क्या है? जब, ध्यान से सुनो, दिस इज वेरी क्रूशियल, और मैं रीजन पूछूंगा तुम लोगों से, सबको आंसर देना, थोड़ा सोच के। तो मैंने बताया आज के क्लास में, एक्चुअली थोड़ा ट्रेस करोगे तो रीजन मालूम पड़ जाएगा। क्या बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का जो कॉस्ट है, मतलब तुम अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो इनिशियली कम रहेगा, राइट? इनिशियली उसका खर्चा कम आएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम और भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो एक एक्स्ट्रा यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो राइज करना स्टार्ट करेगा। तो कैन यू टेल मी व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई? हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट करेंगे इसीलिए तो। हाँ, तो ज्यादा प्रोडक्ट कर रहे हैं तो राइज क्यों हो रहा है? भैया क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। जैसे तो लेबर, जैसे मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, जैसे मैंने क्या कहा, जब मैं एक्स्ट्रा एक यूनिट लेबर हायर करता हूँ, ठीक है, या एक्स्ट्रा एक यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, तो जो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है उस एक्स्ट्रा एक यूनिट प्रोड्यूस करने का, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है? तो सपोज तुम पहले एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और एक्स्ट्रा एक यूनिट किया तो दो यूनिट, तो इसमें देखा गया तुम्हारा जो जो कॉस्ट था वो कम गया, ठीक है? फिर तुम दो से तीन पे गया तो तुम देखा गया कि अच्छा कॉस्ट और कम गया, मतलब मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है। तीन से चार में गया, देखा गया कॉस्ट और कम गया, मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम चार से पाँच में गया, तुमने देखा मार्जिनल कॉस्ट राइज कर गया, कॉस्ट राइज हो गया। जैसे ही पाँच से छः में गया वो और राइज हो गया, छः से सात में गया वो और राइज हो गया, देखो ऊपर उठते ही जा रहा है उसके बाद, मतलब जो चेंज इन प्राइस है वो भी ज्यादा ज्यादा करके, राइट? तो मैं पूछ रहा हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले फॉल कर रहा है जो चेंज है प्राइस में, जो कॉस्ट में, सॉरी, और उसके बाद वो राइज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अनिशा कुछ भैया, लेबर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही, फिर कैपिटल सब तो सेम रहता है। हाँ, कैपिटल वही जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, हम लोग तो कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक यूनिट जो एक्स्ट्रा यूनिट का है, तो जब तुमने वंस एक यूनिट एक लेबर था और जब दूसरा लेबर जब तुम लाए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब वो एक्स्ट्रा यूनिट लेबर ने
उस कैपिटल को अच्छे तरह से यूटिलाइज किया और अच्छा प्रोडक्टिविटी दिया. गिवन उसका वेज रेट सेम था इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम दिखाई दिया हमें, ठीक है. फिर जब तुमने एक और एक्सटर्नल लेबर हायर किया तब उसने भी अच्छा प्रोडक्टिविटी दिया, चौथे वाले ने भी अच्छा प्रोडक्टिविटी दिया, लेकिन पांचवे वाले से प्रोडक्टिविटी कमने लगा, राइट. क्योंकि कैपिटल फिक्स था, उस लिमिटेड कैपिटल में उतने सारे लेबर्स मिलकर काम नहीं कर पाए तो प्रोडक्टिविटी कमने लगा. वेज रेट स्टिल रिमेनिंग द सेम, प्रोडक्टिविटी अगर कमने लगे तो मतलब कॉस्ट क्या हो रहा है, कॉस्ट राइज कर रहा है. तो इसीलिए एक सर्टेन पॉइंट के बाद उस एक्स्ट्रा यूनिट का जो कॉस्ट है वो मेरा ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा बेयर हो रहा है कंपनी को. समझ में आया सबको? गुरप्रीत? हाँ सर, क्लियर. अच्छा, अब एक और बात समझ लो. ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, राइट, ये जब इंटरसेक्ट करेगा तो सारे पॉइंट्स को एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा. एएफसी को इंटरसेक्ट करेगा, एबीसी को इंटरसेक्ट करेगा और एसी को भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है. तो ध्यान रहे, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका मिनिमम पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा. मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है. और इसका रीजन मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है. मतलब अगर मैं वो वाला डायग्राम वापस बनाऊं जो अभी बनाया था मैंने, एएफसी, एबीसी और एसी, ये बताया था. मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट यहां से जाएगा और ये इसके, सॉरी नहीं होगा, ये मिनिमम पॉइंट है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट जो मेरा है वो इसके मिनिमम पॉइंट से जाएगा. राइट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट. जो एसी का मिनिमम पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट दैट मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. रीजन क्या होता है, एक्चुअली इंट्यूशन क्या है, वो मैं अगले दिन बताऊंगा. अभी आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन है तुम लोगों का, तो तुम लोग पूछो. यू हैव 2 मिनट्स टाइम. नहीं है. अदर्स, रोहित, विनीत, कुलप्रीत, एनी क्वेश्चन? हाँ रोहित, पूछो. ना बोलो ना. और ना, ओके. रोहित तुम बैठे रहो, मैं अभी तुरंत मैथ्स क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तुम जाना मत. 15% चार्ज बाकी है भैया. अरे ये कोई मतलब हुआ, चार्ज में लगा के करो, मैं इसके बाद तुमको लिंक भेज रहा हूँ. फोन गर्म हो जाता है. हाँ भैया, समझते नहीं, आपके पास लैपटॉप है मतलब. अच्छा ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रहा, नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है. गुड बाय. बाय बाय. हाँ.